हाउस में ये यूनिक सा दिखने वाला टेबल देखा है और क्यों सिम्पसन्स शो के कैरेक्टर को चार उंगलियां ही दी गई है, उसके पीछे क्या राज है और क्या सच में एडवेंचर टाइम में जो जैक है वो मर चुका है। गाइस वीडियो बहुत ही मजेदार है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर वन, मॉडर्न एंशिएंट। सिंचिन के घर का ये यूनिक डाइनिंग टेबल तो आपको याद ही होगा, जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि जापानियों का डाइनिंग टेबल अलग क्यों। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि वो आज भी अपने कल्चर से जुड़े हैं और उसे ही प्रमोट करते हैं। 14वीं सेंचुरी में जापानी अपने खाना बनाने और घर को गर्माहट देने के लिए कोयले को घर की जमीन में गर्म करते थे और समय के साथ ये टेबल में बदल गया, जो एक लकड़ी का टेबल होता है। टेबल के नीचे इलेक्ट्रिक हीटर और टेबल के ऊपर एक ब्लैंकेट, जिससे गर्मी उसके अंदर बनी रहे, और उस पे फिर एक लकड़ी का टेबल टॉप होता है। अब क्योंकि जापान में ज्यादातर लोगों को नीचे बैठकर खाना पसंद है, तो इस तरह का टेबल से सर्दी में उन्हें गर्माहट भी मिलती है और वो इसे चाहे तो मेज, डाइनिंग टेबल या अपना बिस्तर भी बना लेते हैं। नंबर टू, सिम्पसन से बढ़कर कौन। 36 साल, 35 सीजन और 750 से भी ज्यादा एपिसोड देखकर द सिम्पसन्स के डाई हार्ट फैंस जो नहीं पता लगा पाए वो है उंगली। सिम्पसन्स के फैंस ये जानते ही होंगे कि उनकी दुनिया में हर कैरेक्टर के हाथों में सिर्फ 3 उंगलियां ही है और एक अंगूठा, वही पैर की उंगलियां भी सेम ही है, लेकिन भविष्यवाणी करते सिम्पसन्स के पास जो नहीं वो गॉड के पास है, एक एक्स्ट्रा उंगली जो खुद और उनकी उंगली पहली बार सिम्पसन्स के सीजन 4 में दिखी। उनके अलावा सर जीसस है, जिन्हें इस शो में 5 उंगलियों के साथ ही दिखाया गया है, और ऐसा करने के पीछे जहां गॉड को हटके दिखाना था वहीं बाकी कैरेक्टर्स को 4 उंगली एनिमेशन को आसान बनाने के लिए दी गई। नंबर 3, बॉलीवुड में फेमस एक्टर जय और वीरू का ब्रदरहुड और कार्टून वर्ल्ड में फिन और जैक का, पर इस एडवेंचर के पीछे छुपा है दुखा दरिया। एक फैन थियरी के मुताबिक फिन असल जिंदगी में अपने डॉग जैक का गुजरना बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश, हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस हादसे में वो कोमा में चला गया और हम शो में उसके माइंड में चल रही कहानी देख रहे हैं, जहां फिन और जैक फिर से साथ है। वेल, भले ये थियरी फिन और जैक की कहानी से पजल पीस जैसे फिट बैठे, पर सच ये है कि 10 सीजन पूरा करने वाला एडवेंचर टाइम दुनिया के सर्वनाश होने के बाद की कहानी है, जिसका पता खुद इसके राइटर को 8 एपिसोड के बाद लगा। उससे पहले वो इसे एक फैंटेसी लैंड मानते थे, जिसकी कहानी 2 बार निक ने रिजेक्ट कर दी थी। गाइस ये तो आपको पता चल गया, पर आप इन खतरनाक स्कूल्स के पनिशमेंट के बारे में आप शायद नहीं जानते थे। और ऐसा कौन सा जानवर है जिसे पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है, और जो हम बचपन के खिलौनों से खेलते थे, इनके सीक्रेट्स के बारे में जानकर आप सच में शॉक हो जाओगे। गाइस आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो फटाफट से देख लो, बहुत ही मजेदार है। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।